भारत और म्यांमार की सेना ने संयुक्त कार्रवाई करके पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में उग्रवादी संगठनों के ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान उग्रवादियों ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने उग्रवादियों के खिलाफ इस बड़ी मुहिम को ऑपरेशन सनशाइन 2 नाम दिया है। भारतीय सेना के अंदर इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के 2 बटालियन के अलावा विशेष सुरक्षा बल असम राइफल्स के जवान इस सशस्त्र कार्रवाई में शामिल थे। इसके साथ ही म्यांमार की सेना के भी 4 ब्रिगेड भी उग्रवादियों के खिलाफ एक्शन में शामिल थे। इससे पहले भी इसी साल 22 से 26 फरवरी के बीच ऑपरेशन सनशाइन 1 चलाया गया था। उस वक्त भारतीय सेना ने भारतीय क्षेत्र के अंदर ही संदिग्ध अराकान विद्रोही कैंपों के खिलाफ कार्रवाई की थी। भारतीय सेना की कार्रवाई के दौरान भाग रहे विद्रोहियों को सेना ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद ऑपरेशन सनशाइन 2 के तहत भारतीय सेना ने करीब 70 से 80 उग्रवादियों को पकड़ा है। फिलहाल उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सनशाइन 2 के तहत NSCN के कम से कम 7 से 8 कैंपों के अलावा उल्फा KLO NEFT के एक ठिकानों को म्यांमार की सेना से नष्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने इस कार्रवाई को बेहद कामयाब बताया है। यह ऑपरेशन दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल से अंजाम दिया गया। अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन सनशाइन 1 के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच पैदा हुए भरोसे की वजह से इस बार मिशन कामयाब रहा है। अधिकारी के अनुसार 2015 में भारतीय सेना ने उग्रवादी संगठन NSCN के खिलाफ सीमा पार से एक ऑपरेशन चलाया था, जिसकी वजह से म्यांमार सेना में नाराजगी थी। लेकिन ऑपरेशन सनशाइन 2 में मिलकर साथ काम करने से ये नाराजगी खत्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।